दोस्तों नमस्कार, मैं आशु शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नए रोचक विषय को लेकर। दोस्तों, इंसान गलतियाँ करता है और गलतियों पर दूसरों पर गुस्सा भी करता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम गलती करने वाले को क्षमा कर दें तो हमें कितना आनंद मिलता है, कितना सुख, कितना चैन मिलता है। आइए मैं आपको एक ऐसी ही रोचक कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक धोबी नदी के किनारे शिला पर रोज की तरह कपड़े धोने आया। उसी शिला पर कोई महाराज भी ध्यानस्थ बैठे थे। धोबी ने आवाज लगाई लेकिन उसने नहीं सुनी। धोबी को जल्दी थी, उसने दूसरी आवाज लगाई लेकिन वो भी उन्होंने अनसुनी कर दी, तो उसने उनको धक्का मार दिया। ध्यानस्थ की आंखें खुली, क्रोध की ज्वाला उठी, दोनों के बीच में खूब युद्ध हुआ, मार पिटाई हुई, हाथापाई हुई, लेकिन फिर लुट पिट कर दोनों अलग अलग दिशा में बैठ गए। एक व्यक्ति दूर से ये सब देख रहा था। वो साधु के नजदीक आकर बोला, महाराज आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी, उसने आपको बहुत मारा है। महाराज ने कहा, उस समय आप मुझे छुड़ाने क्यों नहीं आए? तो व्यक्ति ने कहा, आप दोनों के बीच जब युद्ध हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, आप एक दूसरे को मार रहे थे, उस समय मैं ये निर्णय नहीं कर पाया कि धोबी कौन है और साधु कौन। प्रतिशोध और बदला साधु को भी धोबी के स्तर पर उतार लाता है। इसलिए कहा जाता है कि बुरे के साथ बुरे मत बनो, नहीं तो साधु और शठ की क्या पहचान। दूसरी तरफ क्षमा करके व्यक्ति अपने स्तर से काफी ऊंचा उठ जाता है। इस प्रक्रिया में वो सामने वाले को भी ऊंचा उठने और बदलने की गुप्त प्रेरणा या मार्गदर्शन देता है। प्रतिशोध और गुस्से से हम कभी कभार खुद को नुकसान पहुंचा बैठते हैं, जिससे हमें बाद में बहुत पछतावा होता है। देखो, गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत ही साबित होता है, तो इसलिए हमें खुद पर काबू रखना बहुत जरूरी बन जाता है। क्षमा करने से सामने वाले व्यक्ति की नजर में हमारी इज्जत सम्मान और बढ़ जाती है। गुस्सा करने वाला व्यक्ति हमेशा खुद का ही नुकसान पहुंचाता है। गुस्से में हमेशा अक्सर करके वो काम हो जाता है जिससे हम दूसरों को और खुद को भी नुकसान पहुंचाने के साथ साथ लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर देते हैं। दोस्तों, आपको जब भी गुस्सा आए या किसी के ऊपर आप क्रोधित हों, तो हमें उस वक्त अपने दिमाग और मन को शांत रखना चाहिए। एक गहरी सांस लीजिए और कुछ देर के लिए मौन हो जाइए, फिर देखिए आपका गुस्सा, आपका क्रोध यूं पल भर में छूमंतर हो जाएगा और आप पहले की तरह एकदम आनंदमय हो जाएंगे। आपका दिमाग काम करने लगेगा और सामने वाले को आप उस नजर से बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए रोचक विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।